आज के युवा को। ये बहुत सारे लोग जो वैंकूवर पहुंच गए हैं, कनाडा पहुंच गए हैं, और भारत में भी वो शक्तियां लगातार किसी एजेंडे के तहत इस देश को तोड़ने की मुहिम चला रही हैं। और जो आपके सनातन से निकले हुए थे, आपका एक भाई था सनातनी, जिसने आपसे निकल करके आपसे दूर नहीं गया, वो सनातन की रक्षा करने के लिए उसने 5 चीजों का प्रयोग किया और उसके बाद सनातन को बचाने के लिए वो लड़ा। आज कुछ लोग उसमें से बहक गए हैं, उन्होंने रेडियो स्टेशन बाहर जाके खोल लिए हैं, बैंक खोल लिया है, करेंसी खोल ली है। आज किसी के बहकावे में वो ये भूल गए कि नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी, अर्जन देव की हत्या किसने की थी, लाल किले के सामने सीचगंज गुरुद्वारा किन लोगों के कारण हुआ। वो ये भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र 6 साल का और 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह को किस लिए दीवार में चिनवाया गया था। आज कुछ सत्ता की लालसा में, पैसों की लालसा में, किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी है। उनको भी किताब बताइएगा, एक किताब है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिक्स एंड हिंदू इन पंजाब, गुरबचन सिंह तालिब साहब की किताब है, रेयर किताब है। तो जो लोग अपने इतिहास को किसी स्वार्थ के कारण भूल जाते हैं, वो सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। अगर अपने इतिहास को जिंदा रखना है तो उसमें हर अच्छी और बुरी घटना को जब तक याद नहीं रखेंगे तो आप कभी जिंदा कौम नहीं होंगे। आपके मान सम्मान को ठेस जिन्होंने पहुंचाई है, इतिहास पढ़ाए इसीलिए जाता है। इतिहास पढ़ाने का महत्व यही है कि जो कुछ हमसे उस दौर में गलतियां हुई, किन कारणों से हुई, कौन 2 गद्दार थे, कौन लोग लालची थे, किन लोगों ने आपके बीच में रह करके आपको नुकसान पहुंचाया, किन लोगों ने चापलूसी की, किस लोगों ने षड्यंत्र किए, कौन लोग उनके जासूस थे, उन लोगों को बेनकाब करें और दोबारा जीवन में ऐसी गलती ना हो, किसी राष्ट्र की जीवन में ऐसी गलती ना हो कि ऐसे लोगों को दोबारा से आप फिर उनके साथ वही गलती करें। यह इतिहास पढ़ाने का काम होता है, लेकिन इतिहास आपको कुछ और पढ़ा दिया गया है। इसलिए इतिहास में वीर सावरकर का जिक्र नहीं आता, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं आता, छत्रपति महाराज शिवाजी का जिक्र नहीं आता, और सरदार पटेल की मूर्ति लगाने में लोगों के पेट में दर्द होता है, और एक आधुनिक प्रधानमंत्री जो जहाज चला रहे थे वो चलाते चलाते सरकार चलाने लगे, जिन्होंने 1984 में हमारे सनातनी भाई सिखों को बाकायदा एक सुनियोजित ऑर्गेनाइज करके उनका नरसंहार किया, उनकी हत्याएं की, और सरकार की देखरेख में दिल्ली के अंदर और पूरे देश में 10,500 सिखों की हत्याएं करने वाले प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय चैनल पर आकर यह कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। आज सवाल उनसे पूछना चाहिए, आज वो बहक गए हैं तो उनको समझाने का काम आपका है। कुछ लोगों ने उनको तकलीफ पहुंचाई है, कुछ लोगों ने उनकी हत्याएं की हैं, लेकिन ये हत्याएं किसी पार्टी के गुंडों द्वारा की गई हत्याओं को भारत के सनातनियों के सर पे लगाना ना इंसाफी है। लेकिन ये बहुसंख्यक समाज का काम होना चाहिए कि जो ठोस ठेस उन्हें पहुंची है, जो तकलीफ उन्हें हुई है, उनको हमें अपने साथ प्यार से, मोहब्बत से, सहनशीलता के साथ उनको अपने साथ रखना है। वो हमारे हैं, वो भटके ना। अंत में वो जो उनका गुरु गोविंद सिंह का जो जिक्र मैं करता हूं, वो इसीलिए करता हूं, इसलिए आप युवाओं से कहता हूं कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है, बार बार मैं कहता हूं बाल दिवस मनाइए, बाल दिवस मनना चाहिए। और 14 नवंबर में देश के पहले प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, उनके मान सम्मान में हमें कोई उनकी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री थे, अब नहीं है, उनकी नीतियों से विरोध हो सकता है, लेकिन हम ये तो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई बाल दिवस मनाने के लिए 14 नवंबर ही क्यों? कौन सा ऐसा बालक था, क्या ऐसा पराक्रम उसने किया कि बच्चों को 14 नवंबर के दिन जब वो पैदा हुए थे, आज जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास में कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिससे लगता है कि कभी हमारा न सीना चौड़ा होता है, न हमारा माथा कभी ऊपर उठ पाता है, हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार हो जाते हैं, हम पॉलिटिकल अपोलॉजिस्ट हो जाते हैं। तो क्या यह जरूरी नहीं है कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है उसे 26 दिसंबर को मनाया जाने लगे? और 26 दिसंबर की डेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि 26 दिसंबर को
पंजाब के शहर जो सरहिंद का है, उस सरहिंद के राजा वजीर खान ने, उस मुगल बादशाह ने जब यह हुक्म दिया कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को इस्लाम कबूल कराओ, तो आदेश दिया गया कि आप अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको जान की बख्शीश मिलेगी। तो 6 साल का जोरावर सिंह और 9 साल का साहबजादा फतेह सिंह, 9 साल के 6 साल के बच्चे ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि वाहे गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं मानता। उस 6 साल का बच्चा न सत्ता का लालच, न कोई मोह प्राण सामने लेने वाला खड़ा हो, और उसकी बहादुरी देखिए, उसकी प्रेरणा देखिए, वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं थे, बच्चे नहीं थे, लालच की कोई उनके अंदर कहीं दूर दूर तक कोई बू नहीं थी, पूरी ताकत से आंखों में आंखें डाल के उस क्रूर हत्यारे जालिम राजा के आदेश के खिलाफ उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। दोनों जिंदा थे, दोनों को जिंदा जमीन दीवार में चिनवा दिया गया, उन्होंने उसका प्रतिशोध नहीं किया, वो रोए नहीं, वो हमारी तरीके से हाय तोबा नहीं मचाई, क्योंकि वो सच्चे राष्ट्रवादी और सनातन को मानने वाले थे। उनके लिए राष्ट्र और सनातन, जिसकी जिसे बचाने के लिए, मुसलमान मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए हमारे ही अपने परिवार में से वो जो बेटे बने थे, उन्होंने उस परंपरा का निर्वाह किया। दीवार में चिनवाने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई, और मृत्यु की खबर जब उनकी दादी गुजरी देवी को पता चली तो उनका देहांत हो गया, और दोनों 26 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई। तो मैं कहता हूं कि 26 दिसंबर को बाल दिवस अगर मनाया जाए तो भारत में होने वाले बच्चे जो पैदा होते हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, आप उन्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझाते हैं, आप उन्हें ओ जीसस ओ क्राइस्ट के स्कूल में भेजते हैं, तो उस स्कूल के अंदर तो एक फादर होता है जो कभी फादर बना ही नहीं था। आप जिस दिन उन बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कहानी सुनाने लगेंगे तो फिर बच्चे जेएनयू में भारत तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वो बच्चों की गिनती इतनी होगी कि अगर किसी ने सर उठाकर कहा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 50 साल में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की इस इंस्पायरेशन से जो जनरेशन पैदा होगी वो उन लोगों के टुकड़े कर देगी जो भारत राष्ट्र के टुकड़े करने की बात करते हैं। लिहाजा बारडोली के तमाम नौजवान साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं और इसको कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की जरूरत है। आज आपने देखा होगा कि हमारे यहां हर छोटी छोटी बात पर यह कहा जाता है, इस्लाम और मुसलमान के बारे में आप पूरी दुनिया जान रही है इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। मुगल चले गए, मुगल के बाद अंग्रेज आ गए। एक घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि आप जब सच बोलेंगे ना तो कुछ लोगों को तत्कालिक तौर पे परेशानी हो सकती है, लेकिन आप नहीं भी रहेंगे, आपका अस्तित्व भी कोई फिजिकली मिटा देगा, लेकिन तब भी आप नहीं सुन रहे होंगे। आपके आने ये शख्स अपने जीते जी सच बोला, ये इससे बड़ी आपको जीवन में क्या अचीवमेंट होगा कि आप ना भी रहे लेकिन आपके बाद भी लोग कहें कि ये सच बोला, और ये सच ऐसा था कि अगर इस सच को सरकारें मानती, देश मानता, तो आज हम दुनिया के वो विश्व गुरु होते जिसके लिए दुनिया हमें जानती है। लेकिन हम किन स्वार्थ और किन डरों के चलते प्रतिकार नहीं करते और अपनी परिभाषा दूसरों के सामने घुटने टेकने वाली बना देते हैं। लिहाजा मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मुसलमान इस देश में पूरे पाखंड के साथ, मक्कारी के साथ, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इनके नेता, इनके संगठन इन्हें मूर्ख बनाते हैं, बनाने दो तो हमारा ही काम कर रहे हैं,
सत्ताएं सत्ता के लालच में, गद्दी के लालच में इन्हीं को मूर्ख बनाती है, इन्हें बनाने दो। तो हमारे यहां तो सत्ताओं ने उन जिहादियों का, उन इस्लामिक आतंकवादियों का, उन मुसलमान मुगलों का जिन्होंने इस देश में रेप किए, मर्डर किए, हमारी सभ्यता को लूटा, संस्कृति को लूटा, आज हमारे यहां महिमामंडित करने की कोशिश की जाती है और हम उसमें सवाल नहीं खड़ा करते। और खासतौर से एक ऐसा समाज, एक सनातनी समाज जो जिसके जिसके इतिहास में शास्त्र, शस्त्र और बातचीत, जिसको कहते हैं शास्त्रार्थ, तो शस्त्र, शास्त्र और शास्त्रार्थ, ये तो हमारी परंपरा है, हम उस पर डिबेट करते हैं। आज वो समाज सच बोलने से डरता है, शास्त्रार्थ नहीं करता, खुले में चुनौती नहीं देता। क्यों? क्योंकि सत्ता का लालच और सरवाइव करने का जो बीमारी हमें लगी हुई है, इसलिए हम भारत राष्ट्र के टुकड़े होने दिए, 21 लाख लोगों को मरने दिया, उसके बाद फिर हमने 1946 की घटना से लेके कोई सबक नहीं सीखा।